गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह, वेलकम यू स्टडी बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले एंग्लो सैक्सन पीरियड के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने दो वीडियो अपलोड किया है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेम द ग्रेट पोएट हु गिव ए यूनिक पोयम ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग ऑफ किंग जेम्स फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड टू प्रिंसेस मार्गरेट टूडोर ऑफ इंग्लैंड, द डॉटर ऑफ हेनरी सेवंथ इन अगस्त 1503। नेम द ग्रेट पोएट, महान पोएट का नाम, हु गिव ए यूनिक पोयम, जो एक यूनिक पोयम दिए हैं, ओकेजन ऑफ वेडिंग द किंग जेम्स फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के जेम्स फोर्थ के वेडिंग पे अवसर का, टू प्रिंसेस मार्गरेट टूडोर इंग्लैंड डॉटर ऑफ हेनरी सेवंथ इन ऑस्ट्रेलिया 1503, हेनरी सेवंथ इन अगस्त 1503। इसका करेक्ट आंसर ए होगा फ्रेंड्स, द ट्रिस्टल एंड द रोज बाय विलियम डनबैन, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट यूटोपिया पब्लिश्ड 1516 बट पब्लिश्ड इन इंग्लिश 1551 विच वॉज बेस्ड ऑन प्लॉट्स रिपब्लिक। हु रोट यूटोपिया, कौन लिखा, यह पब्लिश हुआ था 1516 में, बट पब्लिश इन इंग्लिश में यह 1591 पब्लिश हुआ, विच वॉज बेस्ड का मतलब होता है आधारित है, यह किस पे आधारित है, प्लॉट्स रिपब्लिक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सर थॉमस मोर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको केयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बुक ऑफ मोर विलियम शेक्सपियर इनडेप्टेड टू, मोर की जो बुक है विलियम शेक्सपियर इनडेप्टेड टू, विलियम शेक्सपियर पे रेडी है, तो उसका आपको करेक्ट आंसर बताना है 43 का, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, द यूटोपिया, इसका करेक्ट आंसर होगा द यूटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोगर एस्टेम्स फेमस वर्क कम इन 1570 नेम डेट, सो रोगर एस्टेम्स की फेमस वर्क है 1570 में आया था, तो उसका नाम क्या है आपको बताना है, तो 44 का करेक्ट आंसर है डी, द स्कूल मास्टर, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स डी, द स्कूल मास्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कंसीडर्ड द ऑथर, वन सेकेंड फ्रेंड्स, हु इज कंसीडर्ड द ऑथर ऑफ द पोयम, ये माना जाता है ऑथर ऑफ पोयम, पोयम का कौन ऑथर माना जाता है, तो आपको बताना है 45 का करेक्ट आंसर है ए, होमर, इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पार्ट डज ओडिशी कॉन्टेंस, इसमें फ्रेंड्स 24 है, ये जो बुक है ओडिशी ये 24 है भागों में इसको विभक्त किया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट, फर्स्ट पोएट लॉरिएट कौन है, उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जॉन स्केल्टन, 47 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज मोर डी ऑथर रिटेन, व्हाट इन डी ऑथर रिटेन, कब लिखा गया था ये आपको बताना है, तो 48 का करेक्ट आंसर है सी,
1470 मतलब 1470 में। व्हाट इज ए इलियड, यह क्या है आपको बताना है। 49 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो एन इपिक पोयम है, इलियड एक इपिक पोयम है। और फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जो इलियड है ये पश्चिम सभ्यता का एक महाकाव्य कहा जाता है, यह है एक महाकाव्य कहा जाता है। और जो इलियड की जो कहानी है वह ट्राई की लड़ाई का है, जो इलियड की कहानी है वो ट्राई की लड़ाई का है, जब ग्रीक की राजकुमारी हेलन अपने पति को छोड़कर ट्राई के साथ भाग जाती हैं, तो उसी पे जो ग्रीक के राजा होते हैं तो वो ट्राई के साथ जो है वो सुल्तान सल्तनत पर जो है कि आक्रमण करते हैं। ये इलियड की यही शॉर्ट में यही कहानी है और यह ग्रीक इपिक पोयम है, यह एक महाकाव्य है और यह जो है कि ये ट्रॉय के युद्ध से इसको माना जाता है। देखते हैं, द इलियड रिटन बाई, द इलियड रिटन बाई कौन लिखा है इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, होमर एशियंट ग्रीक पोएट, होमर ये पोएट थे और एशियंट ग्रीक पोएट थे, ये एशियंट ग्रीक पोएट आप याद रखिएगा। इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स, केयर कीजिएगा। द इलियड रिटन बाई, ये होमर लिखे थे, अगर ये पूछा कि यह किस एशियंट के पोएट माने जाते हैं तो एशियंट ग्रीक पोएट माने जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। द इलियड रिकाउंट्स सम ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ द फाइनल वीक ऑफ द इलियड रिकाउंट सम, ये है कि कुछ बताता है, द इलियट रिकाउंट सम कुछ बताता है ऑफ सिग्निफिकेंस सार्थक इवेंट ऑफ फाइनल वीक, मतलब आयोजन जो अंतिम सप्ताह का आयोजन बताता है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आई थिंक फ्रेंड्स डी सही है, ट्रोजन वॉर, इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रोजन वार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ओडियस, ओडियस क्या है आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो ओडियस डी है, एशियंट ग्रीक इपिक पोयम है, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, एशियंट ग्रीक इपिक पोयम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज इन एन एडियस इन द कॉन्टेस्ट ऑफ टूडे, व्हाट इज एन ओडियस क्या है कॉन्टेस्ट ऑफ टूडे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 53 का करेक्ट आंसर होगा ए, इसका अनदर नेम है ओडिसियस, ओडिसियस। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। फिर से देखिए, व्हाट इज एन ओडियस इन, इसका ओडी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ओडियस क्या है तो आपको एक करेक्ट आंसर बताना होगा, अनदर नेम ऑफ ओडिसियस, इसका दूसरा नाम है एडोसियस, एडोसियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ओडिसियस सन कॉल्ड, उसको क्या ओडिसियस का जो सन था उसको क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से बुलाया जाता था। तो 54 का करेक्ट आंसर है सी, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी, टेलीमैकस। ओडिसियस के सन का नाम था टेलीमैकस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ओडिसियस वाइफ नेम, ओडिसियस की वाइफ का नाम क्या था, पेनेलोप, बी इसका करेक्ट आंसर है, उसकी वाइफ का नाम था पेनेलोप। और फ्रेंड्स ये जो ओडिसियस वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश, यह 1614 में पब्लिश्ड हुआ था और टोटल लाइन इसमें 12109 है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको देख लीजिएगा। ओडिसियस वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में यह 1614 में पब्लिश्ड हुआ था और इसमें टोटल लाइन्स 12109 है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं कांचा सिंह आपसे इजाजत चाहती हूँ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।